ये मेरे नोट्स हैं और मैं ऐसे ही लिखता हूँ, मतलब ना ठीक है। हाँ ठीक है, शायद समझ ना रहा हो, लेकिन आई थिंक समझ आ रहा है यार, मेरे को स्क्रीन पर दिख रहा है, विजिबल है, सभी को विजिबल है। फिर पहले आप टाइपिंग वाली स्लाइड लिखते थे तो वो ज्यादा समझ आता था। ओके, बस जूम करके काम चला रहे हैं। नहीं, काम चल रहा है मतलब, चलो आगे मैं कोशिश करूंगा। हाँ ठीक है, आगे मैं कोशिश करूंगा, अभी काम चल जाएगा, अभी देख लो चल जाएगा ना थोड़ा सा। यार मेरे को ना, मैं बाईगॉड बता रहा हूँ, मैं तुम्हें सीरियसली बता नहीं सकता कि मेरा स्केड्यूल कितना ज्यादा हेक्टिक है, बहुत ज्यादा। मतलब सुबह से बताऊंगा अभी ना, बीच में अभी तब जब नींद आने लगेगी ना, फिर तुम्हें शेड्यूल बताऊंगा क्या सुबह उठ के कैसे मतलब हमारी दिनचर्या शुरू होती है। ठीक है, आई विल टेल यू दिस थिंग। अभी शुरू करते हैं, बीच में जब नींद आएगी ना फिर बताऊंगा। हाँ नेक्स्ट टाइम दूसरी स्लाइड पक्का। कम टू द टॉपिक, बायोडाइवर्सिटी। एज आई टोल्ड यू, दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर प्रीलिम्स। दिस टर्म इज क्वाइंड बाय एडवर्ड विल्सन। सर ये टर्म्स याद रखना आपको। हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी बाय द वे? हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी? बिना टेपे आंसर देना प्लीज। हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी? नहीं पता। यार ये सब बेसिक चीजें हैं, ये सब पता होनी चाहिए। हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी? फादर ऑफ ज्योग्राफी इज, ई से शुरू है उसका नाम, उसका नाम है सर, हाँ, इरेटोस्थीन्स। ओके इरेटोस्थीन्स इज द फादर ऑफ, हकेटियस को भी कोई लोग बोलते हैं, ठीक है, फादर ऑफ ज्योग्राफी, बट मैक्सिमम जगहों पे इरेटोस्थीन्स लिखा हुआ है। इरेटोस्थीन्स इज द गाय हु रोट दैट बुक नेम्ड जियोग्राफिया। जियोग्राफिया, ओके, जियोग्राफिया, जियोग्राफिया नाम की बुक लिखी थी। जियोग्राफिया, ठीक है, नोट कर लेना। हाँ तो ये टर्म क्वाइंट की गई एडवर्ड विल्सन से। ये सर प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। हम्बोल्ट कहाँ से आ गया भाई? हम्बोल्ट कहाँ से आ गया? हम्बोल्ट तो करंट है, ठीक है, कोई नहीं, यहाँ टाइप कर दूंगा। क्या बात, सुबह 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 नशा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बायोडाइवर्सिटी द टर्म क्वाइंड बाय द एडवर्ड विल्सन, ठीक है। बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है सर लिविंग, और डाइवर्सिटी का मतलब तो पता है, वैरायटी या डाइवर्सिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ वेरिएशन इन लाइफ, मतलब जिंदगी में वैरायटी यानी विविधता, ठीक है, डाइवर्सिटी वैरायटी। ओके, टोटलिटी ऑफ जीन्स स्पीशीज एंड, चलो कोई नहीं कोई नहीं, घबराओ मत, इधर आ जाओ। बायोडाइवर्सिटी जो कि टर्म कॉइन की थी एडवर्ड विल्सन जी ने, बायो मीन्स होता है लिविंग और डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी, ठीक है, दैट इज डिग्री ऑफ वेरिएशन इन लाइफ। सॉरी, टोटैलिटी ऑफ जीन्स स्पीशीज एंड इकोसिस्टम ऑफ अ रीजन। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट हैविंग लाइफ एंड इनॉर्मस बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, और किसी प्लैनेट पे लाइफ अभी तक नहीं है। जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड, कहीं आपको गलती से वो मार्स दे दे या फिर और किसी प्लैनेट का नाम दे दे, ठीक है, गलती से मुंह में पानी मत ले आना, बिकॉज अर्थ इज द ओनली प्लैनेट जहाँ पे लाइफ और इनॉर्मस बायोडाइवर्सिटी है। ओके, जेनेटिक डाइवर्सिटी कई तरह की होती है। एक होती है जेनेटिक डाइवर्सिटी, इट इंक्लूड ऑल जीन्स एंड इट्स वेरिएशन इन अ सिंगल स्पीशीज ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया हैज डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ राइस एंड मैंगोस, मतलब चावल में भी कई तरह के चावल आते हैं। आपने सुने होंगे आपके घर में मम्मी बनाते हैं, कोई बासमती चावल होता है, कोई टुकड़ा चावल होता है, ठीक है, और भी कई खिले हुए चावल होते हैं। चावलों के भी रेट होते हैं ना अलग अलग, कोई 30 रुपए किलो होता है, कोई 50 रुपए, कोई 100 रुपए। जब मेहमान आने वाले होते हैं तो 100 रुपए किलो वाले मंगवाती है मम्मी, है ना, और वैसे हम घर में 30 रुपए किलो वाले, है ना, कि चल इसे नहीं तो खाने हैं। कोई पतले चावल होते हैं, कोई मोटे, कोई खिले हुए बनते हैं, बड़े अच्छी खुशबू आती है ना। तो एनीवेज, मतलब कि वो कह रहा है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब जीन्स में ही काफी सारी डाइवर्सिटी, ठीक है, इट इंक्लूड ऑल जीन्स एंड इट्स वेरिएशन इन अ सिंगल स्पीशीज ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज। इंडिया हैज थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस एंड मैंगोस, ठीक है, चावल और मैंगो के बहुत सारे
वो है स्ट्रेन है. एक होती है स्पीशीज डाइवर्सिटी. स्पीशीज डाइवर्सिटी में दो चीजें आती है, एक स्पीशीज रिचनेस होती है, एक स्पीशीज इवननेस होती है. रिचनेस का मतलब फॉर एग्जाम्पल सिंपल काउंट ऑफ स्पीशीज. फॉर एग्जाम्पल ये एक जगह है, यहाँ पे लॉयन है, क्रोकोडाइल है, टोर्टोइज है, टाइगर है, कैमल है, क्रोकोडाइल है, यहाँ पे टोटल छह स्पीशीज है. इसको तो बोलेंगे स्पीशीज रिचनेस, सिंपल काउंट ऑफ स्पीशीज मतलब कितनी है टोटल, ठीक है. और स्पीशीज इवननेस क्या होती है, इवननेस फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो एक जगह पे यहाँ पे छह शेर है, तीन टोर्टोइज है, पांच जिराफ है, यहाँ पे इवननेस नहीं है, और यहाँ पे इस जगह पे हजार ऊंट ही ऊंट है, ठीक है. इसको बोलेंगे स्पीशीज क्या है, इवननेस. इट मींस क्वांटिफाइज द इक्वलनेस ऑफ द अबंडेंसेस ऑफ स्पीशीज. मतलब काफी, मतलब एक ही स्पीशीज है काफी सारी, ठीक है, उसको बोलेंगे स्पीशीज इवननेस. और स्पीशीज रिचनेस माने यहाँ पे हर तरह की स्पीशी पाई जा रही है, टाइगर भी पाया जा रहा है, दो तीन टाइगर हैं, दो तीन क्रोकोडाइल हैं, दो तीन कैमल हैं, दो तीन टोर्टोइज हैं, ओके. इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है, नंबर ऑफ डिफरेंट बायोम्स एंड इकोसिस्टम इन अ रीजन, ठीक है. 17 कंट्रीज ऐसी हैं जिनको मेगा डाइवर्स कंट्रीज के नाम से जाना जाता है, ठीक है. इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ देम, कीप दिस थिंग इन योर माइंड. इक्वेटिक सिस्टम में डाइवर्सिटी कहाँ पे ज्यादा होती है, इक्वेटिक माने पानी में पूछ रहा है वो, डाइवर्सिटी ज्यादा कहाँ होती है, मोर डाइवर्सिटी होती है लोटिक इकोसिस्टम में. लोटिक से आप याद रखना लोटना, लोटना. सर भाई मैं पीडीएफ भेज देता हूँ यार, हर लेक्चर के बाद भेज देता हूँ मैं पीडीएफ, नोट मत करो, पीडीएफ भेज दूंगा मैं, हर बार भेजता हूँ. लोटिक इकोसिस्टम से आपने ऐसे याद रखना लोटना, ठीक है. लोटना मैंने लोटता कहाँ पे है बंदा, लोटे कहाँ, लोटना मैंने इस तरह चलता हो, बहता हुआ पानी हो, ठीक है, बहते हुए पानी में लोटना पसंद करेगा, ओके. तो इसे याद रखें, रनिंग फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जहां होगा ना वहां पे डाइवर्सिटी ज्यादा होगी, ठीक है. वहां ज्यादा क्यों होगी, नई स्पीशीज आएंगी पीछे से, ठीक है, वो चलता रहेगा, बहता हुआ पानी है, ठीक है. लेकिन जो स्टेग्नेंट वाटर होगा वहां पे कम होगी स्पीशी, याद रखना. लेस डाइवर्सिटी इन द लेंटिक इकोसिस्टम, लेंटिक से याद रखना. लेथर्जिक, लेथर्जिक का मतलब क्या होता है, सुस्त, ठीक है. तो सुस्त होगा वो, स्टेग्नेंट होगा, रुका होगा, ठीक है. स्टेग्नेंट फ्रेश वाटर लाइक लेक, पॉन्ड, स्वैम्प, स्वैम्प माने दलदल, ओके. तो याद रखना एक्वेटिक सिस्टम में बायोडाइवर्सिटी आपसे पूछ लेगा लेंटिक इकोसिस्टम में या लोटिक में है, लोटिक में याद रखना. लोटिक माने लोटना, ठीक है, मने नहीं है ये, तो मैंने अपने आप से लिखा है, समझने के लिए लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है, मतलब आपको याद करने के लिए लिखा हुआ, ठीक है. रनिंग फ्रेश वाटर इकोसिस्टम फॉर एग्जांपल रिवर, लैंटिक इकोसिस्टम में लेस बायोडाइवर्सिटी होगी बिकॉज ऑफ स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर लाइक लेक, पॉन्ड और स्वैम्प, ओके. उसके बाद आता है बायोस्फीयर. बायोस्फीयर क्या होता है, एक पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, शायद मैंने आपसे पहले भी पूछा हो कि आउट ऑफ द फॉलोइंग स्फीयर्स, क्वेश्चन ऐसे है, आउट ऑफ द फॉलोइंग स्फीयर इन विच स्फीयर लाइफ इज पॉसिबल. पहला ऑप्शन था एटमॉस्फेयर, सेकंड ऑप्शन था लिथोस्फेयर, सॉरी, और थर्ड ऑप्शन था हाइड्रोस्फेयर, और फोर्थ ऑप्शन था नन. इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे बायोस्फेयर, ठीक है. हाँ पूछा था ना मैंने, हाँ इसका आंसर नन होगा, क्योंकि इसका आंसर क्या है, बायोस्फेयर. और बायोस्फेयर को इकोस्फेयर भी बोलते हैं, ठीक है, जहां पे तीनों स्फीयर्स मिल रहे हो, एटमोस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर, तीनों स्फीयर मिल रहे हो, उसको क्या बोलेंगे सर, बायोस्फेयर. जस्ट कीप दिस थिंग, बायोस्फेयर और इकोस्फेयर भी बोलते हैं, ओके. बायोस्फेयर होता क्या है, सम टोटल ऑफ ऑल इकोलॉजी ऑन अर्थ, ठीक है. इट्स अ स्वीट स्पॉट वेयर एटमोस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर इंटरेक्ट एंड गिव राइज टू लाइफ, ठीक है. लाइफ प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन अर्थ एक्सेप्ट विद नोटेबल एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन है जहां पे लाइफ पॉसिबल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल एक्सट्रीम हाइट पे, बहुत ज्यादा हाइट पे चले जाओगे ना वहां पे लाइफ पॉसिबल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अगर 8000 मीटर के ऊपर की हाइट पे चले जाओगे ना वहां पे लाइफ पॉसिबल नहीं है. और कहां पे पॉसिबल नहीं होगी, पोल्स पे, जाहिर सी बात है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल पे, ठीक है, पॉसिबल नहीं है. डीप ट्रेंचेस, ट्रेंचेस हमने याद है ना, हमने वो पढ़ी थी यार, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल राइज, ठीक है यार, भूल तो नहीं गए वो, ट्रेंचेस थी, मरियाना ट्रेंच पड़ी थी, है ना, नीचे बताई थी, समुद्र में जो खाई होती है, ठीक है, उसको मरियाना ट्रेंच नाम दिया है पैसिफिक ओशियन में, ठीक है. डीप ट्रेंचेस यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है. वेरी हाई इन एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर में आप स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर चले जाओगे ना तो वहां पे भी आपको लाइफ देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है. तो वो कहता है कि लाइफ
हर जगह है एक्सेप्ट सम सर्टेन नोटेबल एक्सेप्शन, धरती पे हर जगह है लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जहां पे नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे कि 8000 मीटर के ऊपर की हाइट पे चले जाओगे वहां नहीं है, पोल्स पे नहीं है, नॉर्थ पोल साउथ पोल पे नहीं है, डीप ट्रेंचेस में नहीं है, ठीक है, जो समुद्र के अंदर होती है, और बहुत ज्यादा हाई एटमोसफेयर में भी नहीं है, ठीक है, यानी स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं है, ठीक है। उसके बाद आती है सर टर्म बायोपायरेसी। ये टर्म्स ना सीधा वो दे देता है, व्हाट डू यू मीन बाय बायोपायरेसी, एक लाइन दे देगा, ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। बायोपायरेसी नाम से क्लियर हो रहा है कुछ, पायरेसी का मतलब क्या होता है, पायरेसी मतलब चोरी करना, ठीक है, आपने कोई चीज बनाई, मैंने उसको कॉपी कर लिया, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, पायरेसी कर दिया, समझे मेरी बात, लेकिन उसको श्रेय तो मेरे को जाना चाहिए ना, क्योंकि वो चीज मैंने इजाद की थी, समझे मेरी बात, पायरेसी का मतलब पता है ना सभी को। हाँ भाई याद है आपको छोटे होते थे हम लोग पायरेटेड सीडीज मिलती थी, कॉपी मिलती थी, वो सीडी प्लेयर होता होगा सभी के घर में पहले, है ना, सीडियां लेके आते थे ना, वो पिक्चरों की सीडियां मिल जाती थी, 20-20 रुपए में सीडी मिलती थी, है ना, सभी बताया ना, गानों की सीडियां मिल जाती थी, तो वो पायरेसी होती है। ओके, अब बायोपायरेसी का मतलब क्या होता है सर, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सपोज करो इंडिया में नीम है, ठीक है, अब सपोज करो यूएस या फिर इंडिया ने एक एंटीबायोटिक बना ली नीम की, ठीक है, और उसको बाद में क्या करा लिया, पेटेंट करा लिया, लेकिन पहले तो जो वहां के लोकल है, जो आम मतलब कि जो आदिवासी कह लो आप, ठीक है, वो काफी टाइम से यूज करते थे, लोकल सपोज करो यूज कर रहे थे उसको 2000 साल से, लेकिन उनको, लेकिन बेचारों को ये नहीं पता था कि इसको हम पेटेंट भी करा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ही ये डिस्कवर किया था, ठीक है, तो इससे उनको ना ही कोई रिकॉग्निशन मिली, ना ही उनको कोई कंपनसेशन मिला, ठीक है। इसको बोलते हैं सर बायोपायरेसी करना, मतलब यूज कोई बंदा करता था लेकिन उसको चोरी करके इन्होंने अपना नाम देके उसको पेटेंट करा लिया, इसको कहेंगे बायोपायरेसी करना। इंग्लिश वर्जन आपको बताते हैं, बायोपायरेसी का मतलब क्या है, एक्सप्लॉयटेटिव एप्रोप्रिएशन ऑफ इंडिजीनियस फॉर्म्स ऑफ नॉलेज, ठीक है, बाय बिग कमर्शियल फर्म्स विदाउट परमिशन फ्रॉम एंड विद लिटल और नो कंपनसेशन और रिकॉग्निशन टू द इंडिजीनियस पीपल themselves, ठीक है, बायोपायरेसी का मतलब वेरी क्लियर, एक्सप्लॉयटेटिव एप्रोप्रिएशन ऑफ इंडिजीनियस फॉर्म्स ऑफ नॉलेज, ठीक है, आदिवासियों को बड़ी सारी नॉलेज होती है, ठीक है, तो वो नॉलेज को एक्सप्लॉयट कौन करेंगी, बिग कमर्शियल फॉर्म्स बिना परमिशन के, और उनको थोड़ी सी या फिर बिल्कुल ही कंपनसेशन नहीं देंगी, ना ही रिकॉग्निशन करेंगी उनकी, ठीक है, इंडिजीनियस पीपल की। दूसरी होती है सर बायो प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है, पहला था बायोस्फीयर, दूसरा था बायोपायरेसी, तीसरा बायो प्रोस्पेक्टिंग। बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है, डिस्कवरी एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्रह्मी का ना एक पौधा आता है, ब्रह्मी का पौधा आता है, ठीक है, अब वो है तो बायोलॉजिकल चीज, ठीक है, लेकिन उसकी ना ब्रांडिंग कर दी, उसको कमर्शियलाइज कर दिया इन्होंने ना, मतलब उस तरह के, इस तरह से दिखा दिया कि भाई साहब ये तो क्या चीज है, इस तरह कमर्शियलाइज करके उसको बेचने लगे, ठीक है। जैसे अभी ना मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि एक ब्रह्मी कैप्सूल आते हैं उसके, हिमालय के कैप्सूल फॉर्म में भी आता है, टेबलेट फॉर्म में भी आता है, दिमाग तेज करने के लिए होते हैं, ठीक है, उसको कमर्शियलाइज कर दिया। डिस्कवरी एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, ठीक है, इट इनकॉर्पोरेट्स द इंडिजीनियस नॉलेज, ठीक है, इन फोकसिंग स्क्रीनिंग एफर्ट्स फॉर बायोएक्टिव कंपाउंड, जैसे कि मैंने आपको बताया फॉर ड्रग्स और हेल्थ सप्लीमेंट्स के लिए, ठीक है। अभी क्या होता है ना, जैसे ना हमारी बड़ी सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन है, उस दिन ना मैं एक चीज कर रहा था, ये प्रोटीन के डब्बे होते हैं ना, ये जो जिम में लेते हैं प्रोटीन के डब्बे, उसके ना अगर आप कभी इंग्रेडिएंट्स पढ़ना, कभी टाइम लगा के ना, कभी ना इंग्रेडिएंट्स पढ़ना, जब आप उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ोगे ना, उस पे ना केमिकल नेम लिखे होते हैं, उसके ऊपर केमिकल नेम लिखे होते हैं, और आप ध्यान से पढ़ोगे उसके जो मतलब कि जो देसी नाम है, हाँ देसी नाम है ना, जैसे मान लो मैं भूल गया, जैसे मूसली होता है एक ना, मूसली होता है शायद आपको पता हो, मूसली सुना, मूसली सफेद मूसली, रामदेव की अगर शॉप हो वहां पे भी मिलता है, ठीक है, अच्छा होता है, तो ना सफेद मूसली का ना कोई केमिकल नेम है, बड़ा ही खतरनाक सा नेम है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, वो डब्बे पे वो लिखा हुआ है। अब वो सफेद मूसली के बारे में तो हमारे इंडियंस को ही पता था ना, मतलब पहले आयुर्वेदिक में ही आई थी ये चीज, ठीक है, तो वो कह रहा है कि इंडिजीनियस नॉलेज को कैसे वो इनकॉर्पोरेट करते हैं और कैसे कमर्शलाइज करते हैं, इसको कहते हैं सर बायो प्रोस्पेक्टिंग। क्लियर है सर, उसके बाद आगे चलते हैं सर, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होते हैं सर, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, कई बार क्वेश्चन आए हुए इसमें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक,
बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होते हैं, पहली बात तो ये टर्म, इसके बारे में किसने डिस्कवर किया बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में, नॉर्मन मायर नाम का बंदा था, ठीक है। बायोजियोग्राफिक रीजन, वो कहता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होते क्या, कोई भी एक रीजन, ठीक है, जहां पे बायोडाइवर्सिटी हो, ठीक है, वो मतलब कि वल्नरेबल हो ह्यूमन थ्रेट से, ठीक है, कि भाई उसको नुकसान हो रहा है, ठीक है, इंसान द्वारा। अब वो उसकी कुछ कंडीशन होती हैं, जैसे कि उसमें एक तो स्पीशीज डाइवर्सिटी होनी चाहिए, दूसरी हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, और तीसरी है रैपिड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी वहां पे होनी चाहिए। दोबारा से बढ़ते हैं डेफिनेशन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की। अ बायो जियोग्राफिक रीजन विद सिग्निफिकेंट रिजर्वायर ऑफ बायोडाइवर्सिटी दैट इज अंडर थ्रेट फ्रॉम ह्यूमन, ठीक है, जो इंसानों द्वारा मतलब उसको इंसान से उसको थ्रेट है, ठीक है। 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है दुनिया में। तीन कंडीशन होती है, पहली हाइट स्पीशीज डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी होनी चाहिए, डाइवर्सिटी समझा दी मैंने आपको, वैरायटी होनी चाहिए स्पीशीज की। दूसरी हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, एंडेमिज्म का मतलब क्या होता है, दैट पर्टिकुलर स्पीशीज शुड बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर स्पेस, मतलब कि सपोज करो ये कुत्ता अगर सपोज करो जर्मन शेफर्ड अगर सपोज गोवा में पाया जाता तो वो गोवा का ही होना चाहिए पर्टिकुलर, मतलब और किसी जगह नहीं पाया जाना चाहिए, इंडेमिज्म होना चाहिए। तीसरा है सर रैपिड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब वहां पे तेजी से बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही हो। तो तीन क्राइटेरिया, और एग्जैक्ट क्राइटेरिया क्या है, या तो तीन ऑप्शन दे देगा कि इनमें से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की कंडीशन है, या फिर ये भी दे सकता है इट मस्ट कंटेन 0.5% और 1500 स्पीशीज ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स एज एंडेमिक, ज़ाइलम, फ्लोएम, ठीक है, ये केमिकल नेम्स हैं, साइंटिफिक नेम्स हैं प्लांट्स के। मस्ट कंटेन एटलीस्ट 0.5% और 1500 स्पीशीज ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स एज एंडेमिक। दूसरी कंडीशन क्या है, इट लॉस्ट एटलीस्ट 70% ऑफ इट्स प्राइमरी वेजिटेशन, कि 70% उसकी प्राइमरी वेजिटेशन खत्म हो चुकी हो। इंडिया में दो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, इंडो बर्मा जिसमें आपका नॉर्थ ईस्ट आ जाता है, हिमालय आ जाता है, म्यांमार आ जाता है, और एक दूसरा है सर वेस्टर्न घाट, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपने न्यूज में भी सुना हो कि वेस्टर्न घाट से काफी सारी ना स्पीशीज डिस्कवर होती हैं, जैसे एक लीजर्ड थी उसका नाम क्या था, गेको था शायद, गेको लीजर्ड, हम लोग जब पढ़ते थे तब की बात बता रहा हूँ मैं, और भी कई सारी फ्रॉग्स वगैरह डिस्कवर होते हैं अलग अलग तरह के, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट में बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, वेस्टर्न घाट ऑल्सो इंक्लूड श्रीलंका ऑल्सो, ठीक है। कोलंबिया इज द ओनली कंट्री दैट शेयर बॉर्डर विद पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन, ये क्वेश्चन आया हुआ था तो आई जस्ट जॉट डाउन, मेरे को कुछ क्वेश्चन अगर पता चलता है तो मैं कहीं बार साइड में लिख लेता हूँ, ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, आप भी इस तरह करा करो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि तीन कंडीशन है, पहली है स्पीशीज डाइवर्सिटी होनी चाहिए, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म होना चाहिए, रैपिड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होनी चाहिए। एग्जैक्ट क्राइटेरिया क्या, इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट 0.5% और 1500 स्पीशीज ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स एज एंडेमिक। दूसरी ये है इट लॉस्ट 70% ऑफ इट्स प्राइमरी वेजिटेशन, ओके, दो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडो बर्मा और वेस्टर्न घाट। बर्मा तो आपको पता है म्यांमार को बोलते थे पहले, ठीक है, तो इसलिए म्यांमार भी है इसमें, और वेस्टर्न घाट्स आल्सो इंक्लूड श्रीलंका। उसके बाद मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज, जैसे मैंने आपको बता दी इतने मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज हैं, आपके टोटल हैं 17, ओके, याद रखेंगे। ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट है मेजॉरिटी ऑफ अर्थ स्पीशीज, मतलब धरती की जितनी मैक्सिमम स्पीशीज हैं वहीं पे हैं, ओके, इन 17 कंट्रीज में, पहले भी बताया इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ देम। लोकेशन इज पार्शली, लोकेशन इनकी ज्यादातर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में। साउथ अमेरिकन कंट्री जैसे कि ब्राजील, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, वेनेजुएला, ओके, दीज आर द साउथ अमेरिकन कंट्रीज जहां पे बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू और वेनेजुएला, ओके। नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिकन कंट्री जैसे कि मेक्सिको, मेक्सिको ना वैसे मेक्सिको करते हैं मेक्सिको, लेकिन आजकल मेक्सिको का नाम भी चेंज बहुत ही ज्यादा बिगाड़ दिया गया है, गाना सुना होगा शायद आपने उसका, करण ओजला, आजा मेक्सिको चलिए। सीरियसली ये पंजाबी वाले ना मतलब सारी ऐसी जैसी फेर देते हैं, तो दैट्स नॉट मेक्सिको, इट्स मेक्सिको,
मिहिको बोलते हैं उसको ना, और इंडिया में मैक्सिको बोलते हैं, दैट्स मिहिको। तो मक्सिको मत बोलना, इंटरव्यू में थप्पड़ मारेगा लिप्स पे आपके, ठीक है? हाँ ध्यान रखना, कहीं सोच रहे हो करण ओजले ने बोला तो भैया मक्सिको ही होगा, ठीक है? साउथ ईस्ट एशियन नेशन जैसे कि पापा न्यूगिनी, फिलीपींस, और आपका चाइना और इंडिया, और अदर जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कोंगो, मडागास्कर और साउथ अफ्रीका, ठीक है? याद रखेंगे साउथ ईस्ट नेशन में आपके इंडोनेशिया भी है, मलेशिया भी है, ओके याद रखेंगे। तो ये हो गए सर बायोडाइवर्स कंट्रीज। आगे है सर आपका नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी है सर इंडिया में और वर्ल्ड में, और मैक्सिमम दुनिया में स्पीशीज किसकी है, एनिमल्स की है, प्लांट्स की है, या इंसेक्ट्स की है, किसकी है पता चलेगा। IUCN की लिस्ट के अकॉर्डिंग देर आर टोटल 1.9 मिलियन स्पीशीज। ओ माई गॉड, 1.9 मिलियन स्पीशीज, ओके, एंड मोर देन 70% ऑफ ऑल स्पीशीज आर एनिमल्स, ठीक है? एंड प्लांट्स इंक्लूड एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, ठीक है? अमंग एनिमल्स, एनिमल्स में 70% तो आपको मैंने बता दिया कि एनिमल्स की स्पीशीज हैं, जानवरों की स्पीशीज हैं। और जानवरों में आपसे पूछ लेगा, ये क्वेश्चन आया हुआ था प्रीलिम्स में सन 2017 की बात है, 16-17 की बात है, 16 की शायद, कि इनमें से किसकी स्पीशीज ज्यादा है। तो याद रखना इंसेक्ट्स की ज्यादा है, कीड़े मकोड़ों की, ठीक है? मोर देन 70% से लेकर 70%, 90% तक है, अप टू 90%, ठीक है? दैट इज 50% ऑफ ऑल रिकॉर्डेड स्पीशीज आर इंसेक्ट्स। नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ फंजाई इन द वर्ल्ड इज मोर देन कंबाइंड टोटल स्पीशीज, जैसे कि फिशीज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स, ठीक है? टोटल नंबर ऑफ यूक्रोटिक स्पीशीज 8.74 मिलियन। ये फैक्ट्स याद रखना, दोबारा से बताता हूँ, जानवरों में, एनिमल्स में सबसे ज्यादा स्पीशीज हैं इंसेक्ट्स की 70 से 90% तक, ठीक है? और 50% ऑफ ऑल रिकॉर्डेड जो स्पीशीज हैं वो लगभग इंसेक्ट्स की ही गई हैं। नंबर ऑफ स्पीशीज प्लांट्स में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा स्पीशीज है फंगस की। नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ फंगाई इन द वर्ल्ड इज मोर देन द कंबाइंड टोटल स्पीशीज ऑफ फिशीज, एम्फीबियंस, रिप्टाइल्स और मैमल्स, याद रखें। टोटल नंबर ऑफ यूक्रोटिक स्पीशीज, यूक्रोटिक में सिंगल सेल मल्टीपल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो से यूक्रोटिक स्पीशीज आर 8.74 मिलियन, ओनली 20% आर नोन, और इसमें से 80% आर येट टू बी डिस्कवर, 80% अभी डिस्कवर करने बाकी हैं, ओके? और नॉट इन इट डज नॉट इंक्लूड प्रोक्रियोट्स, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है? इट इज नॉट पॉसिबल टू इंक्लूड मॉलिक्यूलर और बायोकेमिकल क्राइटेरिया फॉर स्पीशीज डिमार्केशन, ठीक है? अमंग वर्टिब्रेट्स, अगर वर्टिब्रेट्स की बात करें, वर्टिब्रेट्स जिनकी बैकबोन होती है, स्पाइनल कॉलम होता है, ठीक है, उसमें फिशेज की सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है 50%, उसके बाद एम्फीबियंस की है, नहीं उसके बाद बर्ड्स की है, सॉरी, उसके बाद रेप्टाइल्स की है, देन एम्फीबियंस की है, एंड देन मैमल्स की है वर्टिब्रेट्स में। दोबारा से देखते हैं, IUCN की लिस्ट के अकॉर्डिंग टोटल 1.9 मिलियन स्पीशीज है, जिसमें से 70% स्पीशीज आपकी जानवरों की है। तो जानवरों में सबसे ज्यादा किसकी है, इंसेक्ट्स की, कीड़े मकोड़ों की, ठीक है? और नंबर ऑफ स्पीशीज फंगाई की सबसे ज्यादा है, टोटल नंबर ऑफ मोर देन कंबाइंड टोटल स्पीशीज ऑफ फिशीज, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स और मैमल्स, ठीक है? नंबर ऑफ यूक्रोटिक स्पीशीज जो सिंगल सेल मल्टीपल सेल की है 8.74 मिलियन, ठीक है? ओनली 20% आर नोन एंड 80% आर येट टू बी डिस्कवर्ड, ठीक है? आगे चलते हैं सर, इंडिया में कितनी है, इंडिया का 2.4% ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया इंडिया का, ठीक है? इंडिया की वैसे एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर मीटर, याद रखना। 8.1% इंडिया की ग्लोबल डाइवर्सिटी है, और सिर्फ 22% स्पीशीज है जो कि अभी तक रिकॉर्डेड हुई है, ठीक है? 78 to 80% आर येट टू बी डिस्कवर, अभी डिस्कवर करना बाकी है, ठीक है? वी हैव टू मेक बेटर एफर्ट्स एंड इंडेवर, इंडेवर मैंने यत्न करना, ठीक है? इंडेवर टू रिकॉर्ड द लार्ज मेजोरिटी ऑफ स्पीशीज विच आर नॉट येट डिस्कवर्ड एज दे बिकमिंग एक्सटिंक्ट इवन बिफोर वी कुड रिकॉर्ड देम। वो कहता है कि हमें और बेटर एफर्ट मारने चाहिए, उनको डिस्कवर करना चाहिए इससे पहले कि वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए, ठीक है ना? नंबर ऑफ स्पीशीज इज अफेक्टेड बाय, स्पीशीज इफेक्टेड होती किस वजह से है? एक तो स्पीसिएशन की वजह से, आप नई स्पीशीज बना रहे हो,
और दूसरी एक्सटिंक्शन की वजह से, यानी डिस्ट्रक्शन की वजह से खत्म हो रही है, ठीक है। स्पीशिएशन मीन्स प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ न्यू स्पीशीज। इंडिया का बचल क्या 2.4% है दुनिया के एरिया से, 8.1% इसकी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है, और 22% सिर्फ स्पीशीज है जो कि रिकॉर्ड हो पाई है अभी तक, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ लिविंग स्पीशीज ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स करंटली नोन, सबसे ज्यादा मैंने आपको बता दिया इंसेक्ट्स हैं, 751,000 स्पीशीज हैं, स्पीशीज ठीक है मतलब प्रजातियां हैं सिर्फ, अभी आगे इनके बच्चे तो पता नहीं कितने होंगे, ठीक है। 50% इंसेक्ट्स हैं और 70% टोटल मैंने आपको बता दिया टोटल एनिमल्स हैं, ये सारे एनिमल्स हो गए, एनिमल्स में आपके इंसेक्ट्स वगैरह सारा कुछ आ गया, ठीक है। और 22% आपके ये क्या है इधर प्लांट्स, और एनिमल्स में सबसे ज्यादा किसकी है इंसेक्ट्स की, इंसेक्ट्स के बाद आपके अदर एनिमल्स, देन प्रोटोजोआ, देन वायरसेस, ठीक है याद रखना छोटी सी चीज। उसके बाद आता है बायोम्स। बायोम्स क्या होते हैं, बायोम्स क्या होते हैं सर, प्लांट्स और एनिमल्स की सपोज करो एक जगह पे एक सारे हैं, मतलब एक ही जैसे हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं बायोम। इंग्लिश वर्जन पढ़ेंगे, लार्जेस्ट रिकॉग्निजेबल सब डिवीजन ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ज्योग्राफिकली एंड क्लाइमेटिकली डिफाइंड, ठीक है। असेंबलिंग एंड एसोसिएशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो दैट फॉर्म्स अ रीजनल इकोलॉजिकल यूनिट ऑफ सब कॉन्टिनेंटल डायमेंशन, ठीक है। कॉन्टेजियस एरियाज होते हैं एडजेसेंट एरिया विद सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑन अर्थ सच एज कम्युनिटीज ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड सोइल ऑर्गेनिज्म एटसेट्रा, ठीक है। बायोम्स आर डिफाइंड बाय प्लांट स्ट्रक्चर, लीफ टाइप, प्लांट स्पीसी और क्लाइमेट, ठीक है याद रखेंगे तीनों चीजें। इसमें एक चीज याद ध्यान करने वाली है कि इकोजोन्स जो होते हैं वो बायोम्स नहीं होते, ठीक है। बायोम्स अलग चीज होती है, इकोजोन अलग चीज होती है। इकोजोन क्या होते हैं, जेनेटिक एंड टैक्सोनॉमिक और हिस्टोरिकल सिमिलैरिटीज जिसकी होती है, ओके। अभी सही है, अभी सही है, अभी सही है, ओके। सॉरी सॉरी, तो बायोम्स के बारे में पढ़ रहे थे। बायोम्स क्या, लार्जेस्ट रिकॉग्निजेबल सब डिवीजन ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल मतलब रिलेटेड टू लैंड सर, अर्थ, अर्थ रिलेटेड टू अर्थ, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ज्योग्राफिकली और क्लाइमेटिकली डिफाइंड होता है, ओके। असेंबलिंग एंड एसोसिएशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट फॉर्म्स अ रीजनल इकोलॉजिकल यूनिट ऑफ सब कॉन्टिनेंटल डायमेंशंस, ओके। कॉन्टिजियस एरियाज, जैसे जिसको कॉन्टिजियस मींस एडजेसेंट, ठीक है, विद सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन ऑन अर्थ सच एज कम्युनिटीज ऑफ प्लांट्स एनिमल्स सोइल ऑर्गेनिज्म एटसेट्रा, ठीक है। एंड बायोम्स आर डिफाइंड बाय प्लांट स्ट्रक्चर, लीफ टाइप, प्लांट स्पीसिंग और क्लाइमेट, ठीक है।
बायोम्स कई तरह के हैं, जैसे कि बायोम्स की डिस्ट्रीब्यूशन गवान करने का क्या तरीका है, एक तो इनकी एनुअल वेरिएशन इन टेम्परेचर, मतलब कि टेम्परेचर में वेरिएशन देखना, दूसरा मिनरल्स अवेलेबिलिटी, वहां पे कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, और तीसरा है सर रेनफॉल, और चौथा है सर अवेलेबिलिटी ऑफ सनशाइन। दोबारा से पढ़ते हैं, बायोम डिस्ट्रीब्यूशन इज गवर्नड बाय एनुअल वेरिएशन इन टेम्परेचर, मिनरल्स अवेलेबिलिटी, रेनफॉल और अवेलेबिलिटी ऑफ सनशाइन, ठीक है। देयर एग्जिस्ट अ क्लोज पैरेललिज्म बिटवीन लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड जोनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देयर एग्जिस्ट अ क्लोज पैरेललिज्म बिटवीन लैटिट्यूडनल एंड एल्टीट्यूडनल जोनेशन ऑफ बायोम, उसको बोलते हैं सर एल्टीट्यूड मिमिक्स लैटिट्यूड। इसका मतलब क्या होता है सर, एनीवन? एल्टीट्यूड मिमिक्स लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है, ये पेपर में पूछा हुआ था। एटीट्यूड मिमिक्स लैटिट्यूड का मतलब कोई बताएगा? जोबन प्रीत इज टाइपिंग, ओह माय गॉड, बताओ सर आप बताओ इसका मतलब, बताओ, आपसे विश्वास है, हमें पूर्ण विश्वास है आप बताएंगे। हाँ जी शिवम बोलो, प्लीज वो मत करना, गूगल मत करने लग जाना। नहीं पता, मैं बताऊं, पैरेलल साथ साथ चलती है, काफी घटिया जवाब था ये, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। एल्टीट्यूड मिमिक्स लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है, एल्टीट्यूड मिमिक्स लैटिट्यूड का मतलब होता है सर, सर ध्यान से सुनो, बायोडायवर्सिटी इंक्रीज टुवर्ड्स इक्वेटर एंड विद इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी, ठीक है। जैसे कि हम सपोज इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं, डाइवर्सिटी डिक्रीज होती है, डिक्रीज टुवर्ड्स पोल, ठीक है। इक्वेटर से जाते, जैसे इक्वेटर है ना, 0 डिग्री पे इक्वेटर है और 90 डिग्री पे पोल है, ठीक है। तो इक्वेटर से अगर पोल की तरफ जाओगे तो वहां बायोडाइवर्सिटी कम होगी, ठीक है। लेकिन अगर पोल से इक्वेटर की तरफ आओगे तो बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होगी, याद रखना, अगर पोल से इक्वेटर की तरफ आओगे तो बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होगी, इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे तो बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। हाँ वही तो मैंने कहा, अब कोई कुछ बोल नहीं रहा तो अब किसी को तो बुलाना है ना जलील करने के लिए, सो बलि का बकरा आप बन गए। एनीवेज तो एल्टीट्यूड मिमिक्स लैटिट्यूड का मतलब क्या है, बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज टुवर्ड्स इक्वेटर एंड विद इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी, ठीक है। इसको बोलते हैं सर लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट मीन्स चेंज, याद रखेंगे ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, चेंज। एग्जाम्पल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन एमेजोन रीजन, ठीक है, 10 to 20 times मोर स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एज कम्पेयर टू टेम्परेट फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जाहिर सी बात है ट्रॉपिकल एरिया में होगा, टेम्परेट फॉरेस्ट ऊपर होगा, तो वो कह रहा है कि ट्रॉपिकल एरियाज में, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में बायोडाइवर्सिटी 10 से 20 गुना ज्यादा है एज कम्पेयर टू टेम्परेट फॉरेस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इक्वेटर से जैसे ही आप पोल की तरफ जाओगे तो बायोडाइवर्सिटी कम होगी। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एमेजोन रीजन में इट प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, दैट्स वाई दे आर नोन एज लंग्स ऑफ अर्थ, ठीक है। सारी अपने ठीक है, आप अभी पीछे जंगलों में आग लगी थी अमेजोन फॉरेस्ट में, आपको याद हो, ठीक है, उनको लंग्स ऑफ अर्थ इसलिए बोला जाता है बिकॉज दे प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, याद है आपको, अमेजोन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका में। हाँ शुक्र अल्लाह का, दे प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, दैट्स व्हाई दे नोन एज लंग्स ऑफ अर्थ, ओके। उसके बाद क्वेश्चन पूछ लेगा कि व्हाई देर इज हाई डाइवर्सिटी इन ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी क्यों है, क्या कारण है, ड्यू टू अनडिस्टर्ब्ड एनवायरनमेंट, अनडिस्टर्ब्ड एनवायरनमेंट ऐसा क्या है, ट्रॉपिक्स में अनडिस्टर्ब्ड है, टेम्परेट रीजन में डिस्टर्ब नहीं है, टेम्परेट रीजन में डिस्टर्ब है और लेकिन सॉरी अनडिस्टर्ब है आपका ट्रॉपिक्स में, उसका कारण क्या है, टेम्परेट रीजन में डिस्टर्ब इसलिए है बिकॉज ऑफ द आइस एज एंड ग्लेशियर। आपको पता होगा कि जब ना इंडिया और इंग्लैंड का मैच हो रहा होता है ना, इंग्लैंड में मौसम तो सुबह ठीक होता है लेकिन एकदम से बारिश आ जाती है, देखा कभी इंडिया इंग्लैंड का मैच,
अभी नोट करना, बारिश बहुत ज्यादा रहती है वहां पे मौसम का नहीं पता चलता कब चेंज हो जाए। आप घुमाने लेके गए हो किसी को, तो घर से तो कह के गए हो कि भैया वहां तो जबरदस्त मौसम है, और गए तो वहां पे एकदम से बारिश आ गई। ठीक है, द रीजन बींग इज उसका जो इन्वायरमेंट है डिस्टर्ब इसलिए रहता है, सॉरी डिस्टर्ब इसलिए रहता है बिकॉज ऑफ द आइस एज एंड ग्लेशिएशन। ठीक है, ट्रॉपिक्स आर रिलेटिवली अनडिस्टर्ब, लेस सीजनल इवेंट्स, मोर कॉन्स्टेंट और प्रेडिक्टेबल इन्वायरमेंट। ठीक है, ट्रॉपिक्स का याद रखना। प्रेसिपिटेशन, क्या हुआ प्रेसिपिटेशन को, क्या इसमें कोई डाउट है आगे चलें? ठीक इसमें आगे चलें? बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन बनेंगे पक्का सीधा। जैसे आपसे दोबारा से एक बार देख लेते हैं फिर आगे चलते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए आगे दौड़ पीछे छोड़। बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात कर रहे थे। बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है किसने बायोडाइवर्सिटी के बारे में डिस्कवर किया था? एडवर्ड विल्सन ने। बायो मीन्स लिविंग, डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी, दैट इज डिग्री ऑफ वेरिएशन इन लाइफ, इट्स अ टोटलिटी ऑफ जीन्स स्पीशीज एंड इकोसिस्टम ऑफ अ रीजन। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट जिसके ऊपर लाइफ है और बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। एक होती है जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी मैंने आपको बोल दिया सेम चीज, लेकिन उसके अलग अलग डिफरेंट जीन्स होते हैं, इस वजह से उसकी वैरायटी बन जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया चावल और आम। ठीक है, आम भी अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे दशहरी आम होते हैं, चौसा आम होता है, एक तोता आम होता है, एक खट्टा मीठा आम होता है ना, खाए होंगे आपने बड़े सारे आम, और आम खा के इस तरह मोटे मोटे छोटे छोटे आम भी निकल जाते हैं कई बार फेस पे। सबसे ज्यादा दिक्कत बेचारी हमारी भारतीय नारियों को होती है, हाय पिंपल निकल गया अब कैसे जाऊंगी मैं कॉलेज, है ना, ऐसे ही होता है, निकल जाते हैं गर्मियों में। आप खाते होंगे आम, है ना, अलग अलग तरह के आते हैं तो हाँ सही में इस तरह निकल जाते हैं, मेरे को पता है, हमने भी बड़े सारे खाए आम। एक ना सबकी लाइफ में ना एक फेज आता है, ये पिंपल्स वाला फेज होता है आपका, शुरू होता है 16 साल की उम्र में। 16 साल की उम्र से लेकर ये रहता है 24 साल की उम्र तक, कईयों का 22 साल में भी खत्म हो जाता है, 22 से 24, हाँ जवानी, 22 साल की उम्र तक। ठीक है, ये 6 साल ना बड़ा पिंपल वाला फेज रहता है। ठीक है, द रीजन बीइंग इज कि इस और 16 से 22 और लड़की लड़कों में 18 से 24, लड़कों में 18 से 24, इसका मतलब क्या होता है कि इस उम्र में ये क्यों होता है, मैं रीजन बता रहा हूँ, ये होता है इसलिए सर मैम, ये इसलिए होता है क्योंकि इस उम्र में आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत हाई होता है, बहुत ज्यादा अंदर गर्मी होती है, अंदर बहुत ज्यादा आग होती है, अभी ना टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है। अभी आप देखना कि इस उम्र में ना लॉन्डे हो गए ना आप, 18 से 24 के बीच के होंगे, इस तरह शर्ट के कॉलर ऊपर, हल्का सा किसी ने कुछ कह दिया ओए तेरे को बताऊं क्या, इस तरह से लड़के देखे होंगे आपने, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है। जैसे बाइक की स्पीड भी इनकी बहुत तेज होती है, मतलब बगल में से निकल जाएंगे लड़की को पता भी नहीं चलेगा कि लड़का कौन सा गया। ठीक है, और फिर जैसे जैसे एज कम होती है वो धीरे धीरे मेच्योरिटी आती है, फिर टेस्टोस्टेरोन लेवल भी कम हो जाता है। ठीक है, फिर बाइक भी धीरे चलनी शुरू हो जाती है, फिर और जब बुजुर्ग हो जाते हैं फिर टेस्टोस्टेरोन लेवल तो खत्म ही हो जाता है, तो फिर स्कूटर वही 10 की स्पीड पे हल्का हल्का मीठा मीठा, ठीक है, 10 पे 20 पे, फिर तो कुछ कुछ पैदल भी चलने लग जाते हैं। ठीक है, तो 10th में एक फेज होता है, स्पेशली 10th में, +1 में ना, जब आपके 9th 10th में बहुत सारे चेहरे पे पिंपल्स निकलते हैं। आई स्टिल रिमेम्बर दोज डेज, आई वॉज इन 10th क्लास, आई वॉज इन 10th क्लास, तो मतलब मेरा फेस ना आई स्वेयर मतलब इतना भरा होता था ना पिंपल से, बहुत ज्यादा, मतलब पिंपल ही पिंपल, मतलब मेरे चेहरे पे सुई रखने की तक की जगह नहीं होती थी चेहरे पे, और आई वॉज वेरी शाय, मतलब मेरे को एक्चुअली मेरे को शर्म आती थी, मतलब किसी को ना चेहरा दिखाते हुए, तो मैं ऐसे नीचे मुंह करके चलता था। तो जैसे गर्ल्स को सपोज हम पास करते हैं तो तो इस तरह से बोलते थे कि यार ये लड़का कितना शाय है, मतलब नीचे मुंह करके चलता है ऐसे, उनको क्या पता कि मैं पिंपल्स है मेरे चेहरे पे बहुत ज्यादा, मैं उसको छुपाता हूँ। तो
मतलब मैं वैसे बता रहा हूँ कि एक फेज आता है सभी की लाइफ में. आई डोंट नो आपकी में आया नहीं आया, बट आई वॉज वेरी शाई एट दैट टाइम. द रीजन बींग इज बिकॉज ऑफ पिम्पल्स. ठीक है, बहुत सारे पिम्पल्स थे यार मुझे पता है यार, वो कैसे जलालत के दिन मैंने सहे. मतलब बंदा अब क्या करे, अब क्या करे, अब किस मुंह से जाए. नहीं, समोसा पैटी मैं ऐसा कुछ नहीं खाता था, मैं बहुत ही रेयर, क्योंकि हमारे पे पैसे नहीं होते थे समोसा पैटी खाने के. सीरियसली नहीं होते थे. तो समोसा पैटी कहाँ से खाएंगे. नहीं सीरियसली नहीं होते थे. इतनी पॉकेट मनी नहीं मिलती थी. पॉकेट मनी तो होती नहीं थी यार, अभी मैंने सुनी है पॉकेट मनी. पॉकेट मनी होती नहीं थी. साइकिल पे जाता था मैं, 24 इंच की साइकिल होती थी हमारे पास ना. और वो साइकिल हमारे ना, एक छोटा सा किस्सा शेयर करता हूँ. हमारे ना स्कूल में ना 10th क्लास में ना एक लड़की आई, दिल्ली से लड़की आई. ठीक है, तो हमारा स्कूल का नाम था महर्षि विद्या मंदिर. ठीक है, मतलब उसमें ना काफी ज्यादा संस्कृत ओरिएंटेड था वो स्कूल. मतलब प्रेयर्स जो होती थी सुबह संस्कृत की होती थी. ठीक है, तो हाँ, तो उस टाइम क्या होता था कि लड़की आई एक ना दिल्ली से, तो मतलब स्कूल में इस तरह का संस्कृत ओरिएंटेड स्कूल हो आपका, और उसमें आपके स्कूल में इस तरह से दिल्ली की लड़की आ जाए, तो मतलब बहुत ज्यादा वो लौंडे बेचारे सोचने कि अरे भैया ये कहाँ से आ गई, इतनी सुंदर है. तो उस दौर की बात बता रहा हूँ मैं तुम्हारे को. सभी हमारे मतलब चेहरे इतने वो होते थे. और अब मैं क्या होता था, मैं ना मेरा मैथ्स बहुत स्ट्रांग होता था 10th क्लास में. तो मैं कहता था, मैं कि यार ये हमारी जैसी शक्लें, हमारी 24 इंची की साइकिल है. तो हम क्या करते थे, हम ना अपनी साइकिल ना अपने फ्रेंड के घर खड़ी करके आते थे कि भाई हमें तो हमारे पापा बाहर कार पे छोड़ के गए हैं, और हम ना स्कूल से थोड़ी सी पहले दोस्त का घर होता था, वहां साइकिल ड्रॉप खड़ी करवाते थे कि उसको ये लगे कि भाई बाहर इसके पापा इसको कार पे ड्रॉप करके गए हैं और ये थोड़ा सा पैदल चल के आया है. हर बंदा मतलब अपनी तरफ से करता है ना कुछ चीज. तो ऐसे हुआ, तो फिर मतलब आई वॉज लाइक कि अरे यार अब ना कुछ मतलब ये तो हमारे से तो पटेगी नहीं, क्योंकि अपने को पता है ना अपने से कोई फंसने नहीं वाली, क्योंकि चेहरा इतना गंदा है. तो हम लोग क्या हुआ, वो हमारी मैथ्स की ट्यूशन पे आ गई लड़की. लड़की मैथ्स की ट्यूशन में आ गई, और उसने कहा कि ना उस जहां उसका घर था लड़की का, मतलब वो एक्चुअली रेंट प्लेस पे रह रही थी, उसके फादर की ना शिफ्टिंग हुई थी. तो उसके सामने वाले घर में उसकी एक फ्रेंड रहती थी वहां पे. मतलब कि सर ने कहा कि मैं यहाँ पढ़ाने आया करूंगा, तो हमारी मैथ्स की ट्यूशन लगी. तो वो कहती कि मैं भी पढ़ा करूंगी. भाई साहब अब अपने को पता है अपनी शक्ल तो बेकार है, वो आ गई अपना ट्यूशन में और मैथ्स की ट्यूशन, और मैथ्स में बहुत ज्यादा होशियार. मतलब सर सवाल बाद में दें, इधर हम पहले निकाल के देते हैं. मैं कह लो सर. तो लड़की ने नोट किया, भाई लौंडा तो इंटेलिजेंट है. ठीक है, तो भाई अपना फिर कहते मतलब उसने फिर बात बात करनी शुरू की. जैसे सपोज अब उस टाइम ना क्या होता है ना कि लड़की अगर ये भी कहते ना ये सवाल निकाल दो, तो बाकी के जो 3-4 लौंडे आपने रखे होते हैं ना पीछे टट पूंजिए, आए हाय आए हाय आज तो भाई से सवाल पूछ लिया. सीरियसली ऐसे ऐसे होता था मतलब. एनीवे यार हम कहाँ पे पहुंच गए टॉपिक पे, तुमने ज्यादा डीप में चले गए. कम टू द टॉपिक. सो ये चीज आती है, पिंपल से बात शुरू हुई थी, आम से बात शुरू हुई थी, कहाँ पे पहुंच गए. आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ. सो स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात हो रही थी. हाँ ये सॉरी रिवाइज करवा रहा था मैं आपको. हाँ ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में. अलग अलग तरह के जेनेटिक्स वाले होते हैं, तो आम की और चावल की भी अलग अलग जीन्स होते हैं. ओके, स्पीशीज डाइवर्सिटी दे हैव इफेक्टिव. इसमें क्या होता है, इफेक्टिव नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ रीजन. इसमें दो तरह की होती है, एक स्पीशीज रिचनेस होती है, एक स्पीशीज इवननेस होती है. स्पीशीज रिचनेस फॉर एग्जाम्पल सिंपल काउंट ऑफ स्पीशीज, एक जगह पे शेर है, टाइगर है, कैमल है, टोर्टोइस है, इनको गिन लिया. इवननेस क्या होती है, इन मतलब एक ही जगह पे सेम स्पीशीज रह रही है. फॉर एग्जाम्पल एक जगह 1,000 ऊंट ऊंट रह रहे हैं. ठीक है, उसके बाद आती है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मीन्स नंबर ऑफ डिफरेंट बायोम्स एंड इकोसिस्टम इन अ रीजन. आपसे पूछ लेगा कि एक्वेटिक सिस्टम में ज्यादा डाइवर्सिटी कहाँ पे है, लोटिक इकोसिस्टम में. ठीक है, लोटिक माने रनिंग फ्रेश वाटर. ठीक है, इकोसिस्टम लाइक अ रिवर, लाइक रिवर. लेस बायोडाइवर्सिटी की होती है एटलांटिक इकोसिस्टम में. ठीक है, स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर लाइक लेक, पॉन्ड, स्वैम्प. ओके,
बायोस्फीयर मैंने आपको बता दिया, जहाँ तीनों स्फीयर इंटरेक्ट करते हैं, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, इसको हम लोग इकोस्फीयर भी बोलते हैं। ओके, लाइफ प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर, लेकिन कुछ नोटेबल एक्सेप्शन है। 8,000 मीटर से ऊपर की हाइट पे नहीं होती, पोल्स में नहीं होती, डीप ट्रेंचेस में नहीं होती, और बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर में नहीं होती, स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर नहीं होती। ठीक है, याद रखना, लेयर आपको याद ही होंगी, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर। अरे बाप रे, माउंट कहाँ से आ गई, एक सेकंड यार, होल्ड फॉर अ सेकंड। एक सेकंड यार, मार के आया मैं, एक सेकंड, नहीं कुछ ना, अगर काट लिया ना सूज जाएगा फेस मेरा। एक सेकंड, एक सेकंड ना, मैं चप्पल से मार गया। मिशन अकॉम्प्लिश, सुझा देती आज तो पूरा। क्लास लगाने आई नहीं नहीं यार, वो बड़ी खतरनाक है। मेरे को स्टिल रिमेम्बर दोस डेज, मेरी प्लस टू की वो थी फेयरवेल पार्टी। ठीक है, फेयरवेल होती है, अब जाना होता। मैं, उसने मूवी आई थी धूम टू, ऋतिक रोशन की, और बाल थे मेरे घुंघराले, सॉरी स्टेट थे, मैंने घुंघराले करवाए थे, ऋतिक रोशन के घुंघराले थे उस मूवी में, स्पेशल कर्ल करवाए बाल में। भाई साहब, मैं नाई की दुकान से खुश होता आ रहा कि भाई साहब अब तो मतलब तुम्हारा भाई ऋतिक रोशन बनने वाला है, मतलब क्लास में जाएंगे, फेयरवेल लेंगे, बस बस समझ रहे हो ना तुम, उस टाइम जवानी होती है भाई। जैसे आया ना नाई की दुकान से घर में, भूंड काट गई यहाँ पे आंख के नीचे, और अगले दिन भाई आंख का इतना बड़ा वो वाली आंख होगी, मतलब बस मैं तुम्हारे को बता नहीं सकता मैं कैसे गया। मैं उस टाइम तो मतलब ऐसा हो गया कि अरे यार बस धरती खुल जाए, धरती फट जाए, और मैं बीच में समा जाऊं, सीरियसली। तो इसलिए ऐसे लोगों का मारना जरूरी है, ठीक है, जो आपको इस तरह से सुझा दें। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं बायोपायरेसी पे। बायोपायरेसी मैंने आपको बता दिया यार, एक्सप्लोटेटिव अप्रोप्रिएशन ऑफ इंडिजीनियस फॉर्म ऑफ नॉलेज बाय बिग कमर्शियल फर्म्स विदाउट परमिशन फ्रॉम और विद लिटल और नो कंपनसेशन और रिकॉग्निशन टू द इंडिजीनियस पीपल देमसेल्फ। अरे इंडेंजर्ड नहीं थी यार, उसकी तो बड़ी सारी प्रजातियां हमारे यहाँ 10-15 छत्ते लगे हुए हैं ऊपर। एक्चुअली हमारे ना ऊपर मेड का रूम है, एक हमारी मेड थी उसका रूम है, वो तो अभी चली गई है, तो वहां पे काफी टाइम से सफाई नहीं हुई है, तो इसलिए वहां पे छत्ते लग गए हैं इसके बिरड़ के। नेक्स्ट है सर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जो कि मैं बता रहा था आपको, नॉर्मन मायर, इसका नाम याद रखना बंदे का, इसने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिस्कवर किए हैं। बायोजियोग्राफिक रीजन विद सिग्निफिकेंट रिजर्वायर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हाँ येलो पहना है इसलिए। अरे आजो यार इधर, क्या यार लग गए हो तुम भी उसको बकैती करने। बायोडाइवर्सिटी रीजन क्या होता है, विद सिग्निफिकेंट रिजर्वायर ऑफ बायोडाइवर्सिटी दैट इज अंडर थ्रेट फ्रॉम ह्यूमंस। ठीक है, जो इंसान से जिसको खतरा है। तीन कंडीशन होती है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की, पहली है स्पीशीज डाइवर्सिटी होनी चाहिए, वहां पे डिग्री ऑफ एंडेमिज्म होना चाहिए, दैट पर्टिकुलर स्पीशीज शुड बिलोंग ओनली टू दैट पर्टिकुलर प्लेस, रैपिड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रहा है वहां पे। एग्जैक्ट क्राइटेरिया क्या है, मस्ट कंटेन एटलीस्ट 0.5% और 1500 स्पीशीज ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स एज एंडेमिक, जाइलम फ्लोएम, लॉस्ट एटलीस्ट 70% ऑफ इट्स प्राइमरी वेजिटेशन। ओके, दो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडो बर्मा और वेस्टर्न घाट। इंडो बर्मा में आपका नॉर्थ ईस्ट आता है, हिमालय आता है, म्यांमार आता है, वेस्टर्न घाट में आपका श्रीलंका भी आता है। अच्छा जी, बातें सुन के मजा आता है, इधर आ जाओ, पढ़ाई पढ़ाई करके भी मजा आना चाहिए, खाली बातें ना सुनो। बातें बहुत हैं यार, सीरियसली मेरे पास ना जीवन में बहुत सारे हमारे कांड हुए हैं, तो लॉट ऑफ बातें, मतलब जिस दिन हम लोग मिलेंगे ना ऑफलाइन क्लासेस में, तो एक दिन पूरी बातों का ही क्लास लगाएंगे। ठीक है, मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज के बारे में, अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट हैव मेजॉरिटी ऑफ अर्थ स्पीशीज। ओके, लोकेशन उसकी पार्शियली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में होगी।
ठीक है, साउथ अमेरिका में जैसे ब्राजील, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, वेनेजुएला, नॉर्थ सेंट्रल अमेरिका में मेक्सिको, मेहिको, यूएस, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में पापा न्यूगिनी, फिलीपींस, चाइना, इंडिया, अदर्स में आपके ऑस्ट्रेलिया, कोंगो, मेडागास्कर, साउथ अफ्रीका। ओके, नंबर ऑफ स्पीशीज की बात हो रही थी। आईयूसीएन के अकॉर्डिंग, आईयूसीएन की ना लिस्ट भी आती है यार, ये आपकी एक्सटिंक्ट, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ओके, वल्नरेबल, ओके, ये सब पढ़ लेना। या मेरे को याद कराना, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, मेरे नोट्स बने हुए बड़े अच्छे से आईयूसीएन की लिस्ट के, वो कर देना, ठीक है। आईयूसीएन के अकॉर्डिंग टोटल 1.9 मिलियन स्पीशीज हैं, जिसमें से 70% स्पीशीज आपने बताया एनिमल्स की हैं, ठीक है। इधर डायग्राम भी बनाया हुआ है, ये देखो 70% आपकी एनिमल्स की है, जिसमें सबसे ज्यादा की है इंसेक्ट्स, याद रखना ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। उसके बाद है 22% आपकी प्लांट्स की है, ठीक है। सबसे कम किसकी है, वायरसेस की, और वायरस ने काम खराब किया हुआ, देख लो कहीं पेपर में वायरस आए और पेपर में वायरस मार दो, क्लिक टिक मार कराओ, याद रखना वायरस की सबसे कम स्पीशीज है। उसके बाद बायोम्स पढ़ रहे थे हम, बायोम्स बायोम्स पढ़ रहे थे। बायोम्स क्या होते हैं, लार्जेस्ट रिकॉग्निजेबल सब डिवीजन ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल बोले तो रिलेटेड टू लैंड, जियोग्राफिकली और क्लाइमेटिकली डिफाइंड, ठीक है। असेंबलेज और एसोसिएशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट फॉर्म अ रीजनल इकोलॉजिकल यूनिट ऑफ सब कॉन्टिनेंटल डायमेंशन। ओके, कॉन्टिजियस एरियाज यानी एडजेसेंट एरियाज विद हैविंग सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन ऑन अर्थ, सच एज कम्युनिटीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड सोइल ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज करो सवाना बायोम है, ठीक है, वहां पे सवाना का अलग तरह का टेम्परेचर होगा, अलग तरह क्लाइमेट होगा, वहां पे उसी तरह के पेड़ पौधे उगेंगे, ठीक है, वहां पे एक तरह के जानवर पाए जाएंगे या प्लांट्स पाए जाएंगे, ठीक है। तो वो सिमिलर बायोम कहाँ पे मिलेगा वो देखेंगे इस तरह से। बायोम्स आर डिफाइंड बाय प्लांट स्ट्रक्चर, लीफ टाइप्स, प्लांट स्पीसीज और प्लांट स्पीसिंग और क्लाइमेट। बायोम्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस पे डिपेंड करती है, एनुअल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर की। भैया सपोज करो कि एक एरिया यूरोप में है, एक इंडिया में है, ठीक है, दोनों जगह आपकी टेम्परेचर की वेरिएशन भी एक तरह होती है। मिनरल्स अवेलेबिलिटी भी यहाँ पे इसकी और इसकी सेम है, रेनफॉल भी सेम है और सनशाइन की अवेलेबिलिटी भी सेम है, ठीक है। देयर एग्जिस्ट अ क्लोज पैरेललिज्म बिटवीन लैटिट्यूडनल एंड अल्टीट्यूडनल जोनेशन ऑफ बायोम्स, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी इंक्रीजेस टुवर्ड्स इक्वेटर एंड विद इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी। वो कहते हैं कि इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे तो बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होगी और पोल से इक्वेटर की तरफ जाओगे तो इंक्रीज होगी। ओके, एग्जांपल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ज्यादा है बायोडाइवर्सिटी एज कम्पेयर टू टेम्परेट बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि जैसे लिखा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, फॉर एग्जाम्पल अमेजोन रीजन में 10 से 20 गुना ज्यादा स्पीशीज है प्लांट्स की, ठीक है। इट प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ओके, दैट्स व्हाई दे नोन एज लंग्स ऑफ अर्थ। ओके, उसके बाद आता है सर, व्हाई देयर इज हाई डाइवर्सिटी इन ट्रॉपिक्स, बिकॉज ऑफ द अनडिस्टर्ब्ड एनवायरनमेंट। आपको मैंने बताया टेम्परेट रीजन में डिस्टर्ब एनवायरनमेंट होता है बिकॉज ऑफ द आइस एज एंड ग्लेशिएशन। एग्जाम्पल दिया आपको मैंने ब्रिटेन वाला, ट्रॉपिक्स आर रिलेटिवली अनडिस्टर्ब बिकॉज ऑफ द लेस सीजनल, मोर कॉन्स्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट। ओके, उसके बाद है सर, जहां सनलाइट हाई होगी, फॉर एग्जाम्पल इक्वेटर, वहां प्रोडक्टिविटी हाई होगी, वहां पे बताया मैंने इक्वेटर पे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, इसलिए हाई प्रोडक्टिविटी रहेगी और डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक इकोलॉजिकल निशेस। निशेस माने वहां पे एक स्पेसिफिक टाइप की प्रजातियां पाई जाएंगी, इट मींस इट हैज हाई बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। एक होता है सर सर्प, सर्प मींस स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, ठीक है ना। आपको पता है कि सपोज करो जो भेड़ होती है, भेड़ होती है ना ये, जिसके ऊपर जिसकी वूल बनती है, ठीक है, वो आपको उसके ऊपर वूल भगवान ने भी उसी हिसाब से बनाया उसको, उसी एरिया में जहाँ पे ठंडी होती है, ताकि जो उसकी जो आउटर बॉडी है वो ठंड से उसको बचा सके, ठीक है, और वो वहीं पे ठंडे इलाके में पाई जाएगी। तो इसको बोलते हैं स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। विद इन अ रीजन नंबर ऑफ स्पीशीज इंक्रीज विद इंक्रीज इन एक्सप्लोर्ड एरिया बट ओनली अप टू अ लिमिट, क्योंकि वो उसी जगह पे ज्यादा पाई जाएगी जहां की वो है, ठीक है ना। आप क्या कहते हैं, पेंगुइन को अपने घर में नहीं ले जा सकते, ठीक है, देर आर सम स्पेस जहां पर वो उसी एरिया में रहेगी, ठीक है, क्योंकि अडेप्टेबिलिटी होती है बॉडी की, ठीक है ना। आपने कई बार देखे होंगे कि अंग्रेज वंग्रेज आते हैं ना, जब यहाँ पे कभी देखे हो, दिल्ली वगैरह गए हो या बॉम्बे गए हो या कहीं पे भी, मतलब टूरिस्ट प्लेसेस पे जब हमारे इंडिया में आते हैं ना, तो काले पीले से हो जाते हैं, लाल लाल से हो जाते हैं। वो लाल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि यार उनको अपने एरिया का
लगी होती है, मतलब उसी हिसाब का खाना पीना या रहना वगैरह, उसी हिसाब का इन्वायरमेंट, हाँ उसी हिसाब का इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे आएंगे तो जाहिर सी बात है हमारे ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं, उनके टेम्परेट कंट्रीज हैं, टेम्परेट कंट्रीज में टेम्परेचर कम होता है, ठीक है, और ट्रॉपिकल कंट्रीज में ज्यादा होता है, जिस वजह से उनको सन बर्न हो जाता है, कभी नोट करना, लाल लाल सी हो जाती है उनकी ना, चेस्ट लाल हो जाती है, चेहरा भी लाल सा हो जाता है, और तुम्हारे जैसे लगे होते हैं अरे भैया भैया फोटो फोटो, है ना। तो हमारे 11 बायोम्स हैं, हाँ सही में बहुत शौक आता है कहीं को ना अंग्रेज के साथ चल भाई फोटो खिंचवा लें। तो 11 बायोम्स हैं आपके, कौन कौन से, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिड्यूस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ठीक है। ग्रासलैंड, जैसे कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जिसको सवाना बोलते हैं, जिसके ऊपर मैंने क्वेश्चन भी पूछा था, स्मॉल ट्रीज और टॉल ग्रासेस होती हैं जिसकी, टेम्परेट ग्रासलैंड स्टेपीज, इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएंगे। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में आपके कई तरह की होती हैं, उसके नाम अलग अलग रीजन में किस नाम से जानी जाती हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड स्टेपीज, डेजर्ट बायोम, मेडिटेरेनियन बायोम, टुंड्रा बायोम, टेम्परेट मॉनसून टाइप, कूल टेम्परेट, टेम्परेट ईस्ट मार्जिन टाइप, ठीक है। तो हमारे टोटल 11 बायोम्स हैं और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने थे, 25, और इंडिया में कितने हैं, 2, ठीक है याद रखना। अभी इतना करते हैं, कल हम लोग ये 11 बायोम्स खत्म कर देंगे, और ये 11 बायोम्स खत्म होने के साथ आपका लगभग इसके बाद अगर आप जीसी लोंग का पार्ट 2 पढ़ोगे ना, जो सा हमने छुड़वाया था, ठीक है, वो लगभग कवर हो जाएगा, याद रखना। जीसी लोंग का आपका ये 11 बायोम्स कल खत्म हो जाएंगे, और कल इसके साथ साथ आपका पार्ट 2 भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पार्ट नंबर 2 है आपका, वो खत्म हो जाएगा जीसी लियोंग का, बिकॉज दैट इज ऑल अबाउट क्लाइमेट एंड ऑल, ओके। तो प्लीज मेक श्योर कि कल ये हम लोग 11 बायोम्स कवर कर लें, वैसे कर लेंगे, हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नहीं भी होगा तो ये इकट्ठा सेंड कर दूंगा यार मैं ना, अभी इसमें एड ऑन करनी है मैंने स्लाइड्स कुछ, तो इकट्ठा कर दूंगा एक साथ, ठीक है, कोई इशू तो नहीं है।